प्रतीक सहजपाल डेफिनेटली वन ऑफ द हॉटेस्ट हंक्स है ऑन टेलीविजन राइट नाउ, एंड उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा तगड़ी होगी स्पेशली बिग बॉस के बाद. एंड बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोज भी हम देख रहे हैं किस तरीके से सुपर हिट जा रहे हैं. और प्रतीक की फैन फॉलोइंग तो है ही, प्रतीक को डेफिनेटली कई सारी लड़कियां चाहती है, उनसे शादी भी करना चाहती है, प्रपोज भी पता नहीं कितनी ही कर चुकी होंगी, लेकिन ये वाला प्रपोजल काफी खास है क्योंकि इस वेरी वेरी पॉपुलर बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने प्रतीक को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, नेशनल टेलीविजन पे प्रपोज कर दिया और कह दिया है कि मैं बनना चाहती हूँ तुम्हारी दुल्हन, करना चाहती हूँ तुमसे शादी. आखिर कौन है ये बताती हूँ आपको इस वीडियो में. देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त विदांगी कर्णिक. वेल, कल से शुरू होने जा रहा है द खतरा खतरा शो, जहाँ पे जैकलीन फर्नांडिस भी हमें फर्स्ट एपिसोड में नजर आएंगी अलॉन्ग विद भारती, हर्ष एंड फराग. वेल, फराग खान के साथ हम ये सीजन जो है देखने वाले, एक नया एडिशन हो चुका है और पहले ही एपिसोड में हमें हाईलाइट दिखने मिलने वाले हैं करण कुंद्रा, उसी के साथ प्रतीक, निशांत, निकी तंबोली. ये डेफिनेटली चार होने वाले हाईलाइट, क्योंकि चारों के चारों बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स रह चुके हैं. स्पेशली निशांत, प्रतीक एंड करण के बीच की जो बातें हैं वो देखने के लिए फैंस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है. किस तरीके से इनका इक्वेशन होगा ये भी फैंस डेफिनेटली देखना चाहते हैं. लेकिन देखने और एक चीज मिलने वाली है, जब यहाँ पे प्रतीक सहजपाल को करने वाला है कोई प्रपोज और कहते हैं कि वो करना चाहती है प्रतीक सहजपाल से शादी. सो आई एम होपिंग कि आपने ऑलरेडी गेस कर ही लिया होगा कि यहाँ पे बात हो रही है निकी तंबोली की. दरअसल एक्चुअली उन्हें एक टास्क दिया गया था, जिस टास्क में प्रतीक एंड निकी इन दोनों को स्ट्रिंग से बांधा गया था और पपेट मास्टर जो है हर्ष बन गए थे. और इन्होंने काफ़ी हिलेरियस और काफ़ी मेसी तरीके से, काफ़ी फनी तरीके से जो है इन दोनों की डेट सेटअप करी थी, जहाँ पे जिस तरीके से भारती हर्ष कहेंगे वैसे ही उन्हें करना पड़ेगा. वो डेट खत्म होने के बाद जो है भारती पूछते निकी से कि क्या वो इतना सब कुछ होने के बाद, इतना हिलेरियस डेट होने के बाद, क्या वो फिर एक बार प्रतीक के साथ कभी डेट पे जाना चाहेंगी. तब निकी तंबोली का जवाब था कि मैं सिर्फ उनके साथ डेट पे नहीं जाना चाहती बल्कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ. हमने देखा कि किस तरीके से OTT सीजन में अलॉन्ग विद रूबीना वो आई थी और वहाँ पे भी उन्होंने प्रतीक को काफ़ी सपोर्ट किया था, बाहर भी काफ़ी ओपनली प्रतीक को वो सपोर्ट करती हुई नजर आई थी फॉर OTT एंड सीजन 15 एज वेल. तो यहाँ पे वो कह रही है कि मैं सिर्फ डेट पे नहीं जाना चाहती बल्कि उससे शादी करना चाहती. और ये प्रपोजल जो है उन्होंने सुनने के बाद हर्ष और भारती ने पूछा कि प्रतीक तुम्हारा क्या है रिएक्शन, तब वो कहते और आगे कुछ भी नहीं कहते, बस कह देते हैं और जो है अपना जवाब नहीं देते, जवाब रखते हैं बाद के लिए. अब ये तो नहीं पता कि क्या सच में आफ्टर द शो दोनों डेट पे जाएंगे, क्योंकि निकी तंबोली डेफिनेटली इज हेड ओवर हील्स इन लव विद प्रतीक, ऐसा ही दिख रहा है एटलीस्ट जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया है. तो आपको क्या है कहना, क्या निकी एंड प्रतीक ने दोनों ने डेट पे जाना चाहिए, क्या प्रतीक ने एक चांस तो निकी को देना चाहिए? व्हाट्स योर टेक ऑन इट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू गाइस सून. तब तक के लिए बाय बाय.